क्योंकि आपको बस देखना है प्रीवियस ईयर कैट 2023 में क्वांट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या था अगर आपने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे तीन राइट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे तो आपका परसेंटाइल 80 के ऊपर चला जाता अगर आपने बस पांच क्वेश्चन सही कर लिए थे विदाउट एनी नेगेटिव तो आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर होता CAT 2023 एक डिफिकल्ट पेपर था बट किसी भी डिफिकल्ट पेपर में भी आप अगर मुझे बोलोगे कि आपको आपको पांच नहीं नहीं. मिले, I will not believe you. Cat वैसा examination है ही नहीं. Every exam में सात आठ ऐसे questions मिल जाएंगे. प्रेपरेशन सो so CAT 2023 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखो कॉन्ट के लिए ट्वेंटी के लिए you needed 29 marks. 99 percentile के लिए

हाँ, इस साइड से तो वो छोटा होने वाला है एंड एक और साइड से, हाँ, से, तो तो अच्छा, से, से रहेगी अगर आपको ऑप्शन right करेगा जब रेंज ऑफ ऑप्शन जो है वो काफी फार एंड वाइड है दो पर्टिकुलर ऑप्शन में मिल जाएंगे तो यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग थ्योरम एंड एवरीथिंग वो काफी टाइम टेकिंग अगेन प्रोसेस हो सकता है बट आई एस्टिमेशन इज ऑल्सो वेरी वैलिप्ट बट आपको पता होना

देख सकते हो कि वट इज वर्किंग आउट फॉर यू आप अगर एक भी ट्रिक सीख जाते हो एंड यू कैन सॉल्व इवन वन प्रॉब्लम इन योर पेपर, इट इज गोइंग टू डेफिनेटलीस्ट थ्री स्ट्रेटीज एंड मेक श्योर वट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू बिकॉज आपके लिए क्या वर्क बेस्ट कर रहा है वो बस आप खुद को बता सकते हो आई कैन ओनली गिव यू डिफरेंट स्ट्रेटीज द डिफरेंट पीपल यूज ओनली यू कैन टेल फॉर योर सेल्फ वट इज गोइंग टू वर्क द बेस्ट फॉर यू सो रिमेंबर द वे इज अटेपिंग मोर एंड मोर मॉक्स

Maybe 14 में से दो तीन गलत होंगे डिफिकल्ट तो 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 हो जाएगा तो राउंड थ्री के लिए अराउंड फाइव सिक्स क्वेश्चन छोड़ दे राउंड तो थ्री के लिए इट्स बट आप बाकी ट्राई करो राउंड टू में अटेप करने का एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि Years analysis CAT 2023 paper definitely a difficult paper था। अगर आपका quant paper easy आ जाता है, तो you have to increase your number मतलब आपको exam के time judge करना है। एकदम hard wired भी मत चले जाना कि यही particular question है जो मुझे solve करने हैं। 14 questions ही attempt करने हैं। हो सकता है 99 percentile आपको 18 questions में आए, so you never know what is going to be the difficulty of the paper। Don't get too hard wired, but एक ballpark number आप लेके चल सकते हो। उसके बाद next attempt strategy and these are for students who are not so well prepared in quant, but again ये मेरे judgement

इस पर्टिकुलर राउंड में इट्स मोर देन फॉर यू थ्री टू फोर क्वेश्चन होगा कंफर्टेबल हो बिकॉज आप क्वेश्चन कर सोल्व करना शुरू नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगने वाला है कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लगने वाला आप जस्ट फाइव टू तो टेन सेकंड दे रहे हो तो so, जो भी टॉपिक या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है ऑन द कि शायद ये सॉल्व कर लूंगा पहले किया है बट अभी

स्ट्रेटी थर्ड स्ट्रेटी आप बस स्पेसिफिक टॉपिक्स के क्वेश्चन मतलब आप सीक्वें जाते रहोगे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है तो जितने भी अरेथमेटिक के टॉपिक्स है, है आप उनको अटेम्प्ट करने का ऑब्वियसली जितना भी टाइम लगता है उसमें मतलब राउंड वन जैसे मैंने बताया था आपको 180 एट्टी अगर आपको लगता है 180 एटी टू टू हंड्रेड सेकंड भी लगता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में अरेथमेटिक में आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने का अगर बिकॉज आपका अदर टॉपिक्स डेफिनेट ऐसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं आपका अगर जोमेट्री में पीएनसी में नंबर सिस्टम में स्ट्रेंथ है नहीं देन डेफिनेटली आपको ऐसे भी वो क्वेश्चन अटैम्पट करना ही था एल्जेब्रा सिमिलरली मान लो आपका नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक है तो आप उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो कि एल्जेब्रा के क्वेश्चन मैं आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन फॉर अरेथमेटिक्स मैं नेक्स्ट एल्जेब्रा में आने वाला हूँ तो उसके बाद आप आओगे एलजब्रा में आफ्टर सॉल्विंग ऑल द एरेटिक क्वेश्चन जितने भी सॉल्व हो सकते हैं आपसे उसको सॉल्व करके आप एल्ज्रा के क्वेश्चन में आओगे एंड नेक्स्ट यू विल सॉल्व ऑल द तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है आप जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आप फिगर आउट कर लेते हो एंड वो सॉल्व कर लेते हो सो यू आर मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जा रहा है आपने जितनी भी लिमिटेड पढ़ाई की है जितना लिमिटेड आपने थ्योरी पढ़ा है उसको आप यूटिलाइज कर पाओ फॉर द क्वेश्चन दैट यू आर विलिंग टू डू तो वहां से आपकी स्कोर परसेंटेज मैक्सिमाइज होने वाली है